पार्ट टू में देखते हैं क्या क्या। जैसे बताया था यूनिफिकेशन क्या होता है, हाइपोथेसिस एक्सीमा मॉडल क्या होता है, और स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, इस बारे में जानते हैं अपन। फिर तो वीडियो मानते बन रही है और देखिए कैसे समझते हैं। ठीक है, वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें एकदम बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। अगर एक वर्ड समझ नहीं तो आप बोलना। तो दोस्त देखते हैं पहला टॉपिक जो है रिडक्शनिज्म क्या कहलाता है। नाम से ही पता चला रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स घटाना, यानी कम करना, छोटा करना, कोलैप्स कर देना, इसी को अपन रिडक्शनिज्म बोलते हैं। अब कैसे क्या करना है, कैसे डिक्रीज करना, वो बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब हम शुद्ध हिंदी में समझाते हैं। पहले डेफिनेशन अपन रीड करते हैं, देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है उसको, इसको शुद्ध हिंदी में अपन समझाते हैं, प्रॉपर हिंदी में समझाते हैं। जो रिडक्शनिज्म का डेफिनेशन बोल रहा है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा हूँ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू अ सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम सो दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन अप्लाई ऑन दैट सिस्टम एंड वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे एक कार है, अगर कार में कुछ प्रॉब्लम हो गया, चाहे एक बाइक लेते हैं, बाइक आप चलाते हो, बाइक में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है, अलग अलग सिस्टम है, इंजन का अलग कुछ सिस्टम्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम अलग है, जो भी हमारा मैकेनिक्स अलग है, उसमें मैकेनिज्म जो है, व्हील वगैरह का अलग कुछ सिस्टम है, सबका अलग अलग सिस्टम है। अब सब एक जगह लगा हुआ है तो हम उसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स को निकाल देंगे, व्हील को अलग कर देंगे, इंजन को अलग कर देंगे, लाइट सिस्टम को अलग कर देंगे, वायरिंग वगैरह अलग कर देंगे, सारे चीज़ को अगर हम अलग कर देते हैं तो जहाँ फॉल्ट है मुझे आसानी से पकड़ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रखा है। ठीक है, ऐसे पूरा कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है तो देख के ही घबरा जाएंगे हम। कार में ही है, कार के बोनट्स में जो देखते हैं, खोलते हैं बोनट वगैरह, तो उसमें बहुत सारा कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ चीज़ दिखता है, मुझे समझ से बाहर रहता है, लेकिन कुछ बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स रहता है और कुछ मैकेनिज्म्स रहता है, जो कि व्हील वगैरह क्या करता है, जो स्टेयरिंग का सिस्टम जो रहता है ऊपर रहता है, और ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह उसमें रहता है, और बैटरी वगैरह ही रहता है, और कुछ रहता नहीं है उसमें। बस यही मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से रहता है, बहुत सारे और भी पार्ट्स रहते हैं उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है, ब्रेकिंग सिस्टम रहता है, कुछ मैकेनिज्म्स उसका रहता है, गाड़ी कैसे मूव करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स को, बड़ी सिस्टम यानी बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो हमको आसानी से समझ में आना लगता है। वही कह रहा है कि ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी बड़े प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम एक एक वर्ड लेकर देखें। जैसे क्वेश्चन एक दे दिया है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन दे दिया है, अगर हम एक बार में क्वेश्चन समझेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, वो कुछ समझ नहीं आएगा, एक वर्ड समझ नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसको क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, फिर अगला लाइन पढ़ते हैं जो समझते हैं उसका गिवन लिख लेते हैं, फिर अगला लाइन समझते हैं, ऐसे करके अलग अलग करके हम तोड़ तोड़ कर अगर समझते हैं तो हमको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है, और उसको गिवन लिख लिए तो अब उसको हम फॉर्मूला पे, जो भी फॉर्मूला लग रहा है हमको याद आ जाएगा, अच्छा ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो मुझे इस फॉर्मूला बनेगा। जैसे मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगर इसमें, तो देखिए मैकेनिक्स वगैरह में, तो जैसे मान लो मेरा क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, इसमें से कुछ अगर गिवन हो, एक्सेलरेशन दिया हो, तो अगर एक्सेलरेशन है, टाइम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, क्या है क्या नहीं है, अगर ये हम क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के समझ लेते हैं और उसको गिवन करके नोट कर लेते हैं तो मुझे एक इमेज बन जाता है सामने कि अच्छा ये गिवन है तो मुझे किस फॉर्मूला पे सॉल्व होगा, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो उसे हम आसानी से बना लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। वही एक बार से पढ़ेंगे कुछ समय नहीं आएगा, ठीक है, निपट जाओगे एक बार में, ठीक है, दिखाई देने लगेगा, जहाँ अगर एक बार समझे पूरा धुआं धुआं दिखाई देगा, कुछ समय नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, तेल निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम अलग समझते हैं। तो बड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या करते हैं, इनटू सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम में छोटे छोटे पार्ट में हम उसको तोड़ लेते हैं, जिस पे क्या करें, फिजिक्स अप्लाई हो, फिजिक्स एप्लीकेबल हो, कोई फिजिक्स का जो लॉ है उस पर अप्लाई हो रहा है, चाहे हो तुम क्वेश्चन कर रहे हो फिजिक्स सब्जेक्ट का, चाहे कोई भी तुम मशीनरी पार्ट्स कर रहे हो, या कोई भी फिजिकल फेनोमेनन हो रहा है उस पर फिजिक्स का लॉ तो अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, ऑन डैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को वर्किंग को हम आसानी से समझ सके। एक बल्ब तुम्हारे पास है, अंदर क्या है कुछ पता नहीं चलेगा, बल्ब जल रहा है तुम्हारे अंदर क्या क्या लगा हुआ कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे उसको खोल के अलग अलग पार्ट्स करते हो तो तुम्हें समझ में आने लगता है, अच्छा ये LED है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा वायरिंग्स वगैरह है, ये वायर है, ये LED बल्ब्स हैं। ठीक है, ऐसे कुछ समझ में आने लगता है, और पूरा सर्किट उस समय में आएगा, पूरा सर्किट डायग्राम समय में आने लगेगा, फिजिकली तुमको सर्किट दिखने लगेगा। तो ऐसे करते, यही होता है मेरा रिडक्शनिज्म।
अब आता है रिडक्शनिज्म के बाद क्या करते हैं, रिडक्शन पे आते हैं तब यूनिफिकेशन पे आते हैं। रिडक्शन क्या कहता है, इट इज एफर्ट टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट टू सिंपल फॉर्म। ठीक है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, एक एफर्ट है। रिडक्शन एक एफर्ट है जिसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करके उसको हम समझ लेते हैं, आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसी प्रोसेस को अपन रिडक्शनिज्म ला देते हैं। ठीक है, आए थे, अब आगे आता है यूनिफिकेशन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा है, उसको तोड़ के छोटा करना और इसमें छोटका छोटका मिला के बड़ा प्रॉब्लम इकट्ठा कर देना। देखो यूनिफिकेशन मतलब यूनिफाई करना, मतलब एक जैसा बनाया, एक चीज़ का अंदर उसमें रखना, इसी को यूनिफिकेशन करते हैं, सबको एक जैसा दिखाना। जैसे इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इट इज द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट फेनोमेना इन टू अ सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन ऑल द डिफरेंट फेनोमेना। छोटा सा एग्जाम्पल उठा रहे हैं न्यूटन्स लॉ, आप सभी को पता है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन कौन थे, हम स्टूडेंट्स के दुश्मन थे, ठीक है ना, ना रहते ना हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ये न्यूटन्स लॉ सेव गिरा सर पे गिर जाता, कहानी खत्म वहीं पे खत्म हो जाता, क्या जरूरत है इतना करने का। तो यही था हम लोग को जिंदगी भर बात कर दी वही हमारे न्यूटन साहब। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक सिंपल एक सिंगल थ्योरी का अंदर रख दिया, कितनी लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, तीनों लॉ का हम क्या कर दिए, एक जगह एक न्यूटन लॉ के अंदर रख दिए, यानी यूनिफाई कर दिया, यानी द एक्ट यूनिफाइंग बाई डिफरेंट लॉ, यानी अलग अलग लॉज को, न्यूटन फर्स्ट लॉ अलग कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ अलग बात कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ अलग बात कर रहा है, ये तीनों लॉ अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन सब लॉ का क्या कर दिया, डिफरेंट लॉ का क्या कर दिया, एक सिंगल थ्योरी में मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जो कि आसानी से हम समझ सकें, डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये तीनों जो लॉ है एक थ्योरी के अंदर रखते हैं, जिसका नाम क्या है थ्योरी का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इसको हम समझते हैं एक जगह करके, तो ये आसान हो गया। अगला आता है क्या, मेरा हाइपोथेसिस एक्सियम और मॉडल। हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कोई चीज़ रियल मुझे दिख रही है, ठीक है ना, एक ये होता है मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रियली में अगर तुम्हारे सामने प्रेजेंट हो तो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट कोई रियली प्रेजेंट नहीं है तुम्हारे सामने, फिर भी उसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हाइपोथेटिकली मतलब क्या, हम सोच रहे हैं उसकी कल्पना करना, हाइपोथेसिस का मतलब ये था कल्पना करना, रियल में मौजूद नहीं होता है, सिर्फ कल्पना करते हैं। इसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका डेफिनेशन बता दूँ, हाइपोथेसिस इज सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इट विल बी ट्रू, यानी हम क्या करते हैं इसका सही और ना सही होते हुए हम क्या करते हैं कल्पना करते हैं, पता नहीं ये सही है कि नहीं है, फिर भी हम कल्पना करके चलते हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्या कहता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का हर चीज़ क्या है, परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ का क्या है आंसर नहीं है, प्रूफ नहीं है, जो कि मैं नोट्स में यहाँ पर लिख चुका हूँ कि वन शुड नॉट थिंक दैट एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ऑल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सब चीज़ प्रूफ होने वाली चीज़ नहीं है, इस दुनिया में जो है कि किसी चीज़ का प्रूफ दो, अरे हर चीज़ का प्रूफ नहीं है फिजिक्स में, फिजिक्स मैथमेटिक्स हर चीज़ का प्रूफ नहीं दे सकता है, फिजिक्स इस पर डिपेंड करता है एजम्पशन पे, बहुत सारी चीज़ ऐसी कॉन्सेप्ट जो कि एज्यूम करके चलना पड़ता है, वही चीज़ बताता है हाइपोथेसिस एक्सियम मॉडल, इसी के अंदर आते हैं। तो एजम्पशन क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, लोग बोलते हैं कि जैसे पहले बोलते थे 2012 में क्या आ जाएगा, पृथ्वी का सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, क्या ये लोगों ने देखा था, नहीं देखा, किसी ने इसके बारे में सत्य जाना ट्रू जाना नहीं जाना, क्यों, ये कल्पना किया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो इसके वजह से हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इतने सालों बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी भी क्या आते हैं जो कि बोलते हैं उल्का पिंड जो गिर रहे हैं हमारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं अर्थ की तरफ, तो क्या बोलते हैं, मैं एकदम परफेक्ट थोड़ी अगर ये आएगा लड़ेगा खत्म सत्यानाश पृथ्वी खत्म बर्बाद हम निपट जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, उसकी एक अनुमान लगाया जाता है कि इस स्पीड से वो चल रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो चल रहा है तो हमारी पृथ्वी भी उस डायरेक्शन में है, और अगर इस स्पीड से चले तो हो सकता है कि इतने समय में आकर वो पृथ्वी को हिट करेगा और हमारी पृथ्वी का बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्या ऐसा परफेक्ट थोड़ी होता है, हो सकता है पृथ्वी कहीं आगे निकल जाए वो कहीं पार हो जाए, ऐसा ही होता है, तो हम इसको एज्यूम करते हैं, एजम्पशन नहीं है, परफेक्ट 100% ट्रू नहीं, क्या अगर टकरा ही जाए, बोल दिया कोई बारिश की हम क्या करते हैं, बारिश होने वाली है एक सप्ताह, अगले एक सप्ताह तक पूरी बारिश होगी, ऐसा कंफर्टेक्ट थोड़ी होता है, ट्रू थोड़ी होता है, एकदम 100% थोड़ी बोलते हैं हम, क्या एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, बादल ऐसे चल रहा है, तूफान है, ये समुद्र में तूफान चल रहे हैं, बादल का मूवमेंट ये है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हो सकता है कि इधर बारिश होगी, ऐसा ही होता है, ये सब पोजीशन है, परफेक्ट कोई डेटा नहीं होता, हम बिना टूर जाने हुए भी हम क्या करते हैं सब कुछ कर लेते हैं। तो ये फिजिक्स में है, पानी क्या बोलते हैं, पानी परफेक्ट वाटर, प्योर वाटर थोड़ी है, दुनिया में कोई वाटर प्योर है ही नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट इट मीन्स प्योर नहीं है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां हैं, पानी में भी थोड़ा सा उसमें इम्प्योरिटीज होगी, कितना भी तुम परफेक्ट आरो कोई भी आरो लगा लो पूरा एकदम बिल्कुल प्योरीफाई कर लो, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज में रह जाएंगी, ठीक है, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट इट मीन्स प्योर नहीं है। फ्रिक्शन की बात करूँ, फ्रिक्शन भी है तो एकदम बिल्कुल चिकना कर दूँ अर्थ को,
नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन रह जाएगा। इस बोर्ड को सोचो एकदम बोर्ड पूरा चिकना है, एकदम इस पर ला के कुछ भी पेंट करो, एकदम लगाओ एकदम चिकना चीज, तेल ऑयल ग्रीस कुछ भी लगाओ, फिर भी ये 100% चिकना नहीं होगा। थोड़ा सा भी इसमें फ्रिक्शन बाकी रहेगा, बिल्कुल ये चिकना नहीं हो पाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, प्योर नहीं हो पाएगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। तो आगे देखते हैं, हम हाइपोथेसिस क्यों इसमें पढ़ते हैं, हम एज्यूम क्यों करते हैं? अगर हम एज्यूम ना करें तो हम आगे कुछ इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाएंगे, आगे कोई रिसर्च या प्रैक्टिकल कर ही नहीं जाए नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च और प्रैक्टिकल क्लेम क्या करते हैं, कोई चीज़ को मान के चल लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। छोटे से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मुझे मान के चलो पानी पे कोई रिसर्च करना है, ठीक है, तो पानी की विस्कोसिटी ले रहा हूँ, पानी की विस्कोसिटी मान के चल रहा हूँ, चाहे कोई एक तेल ले रहा हूँ, एक पानी एक तेल, उसकी विस्कोसिटी मान के चल रहा हूँ मैं कि इसकी समथिंग विस्कोसिटी होगी। अगर कोई एक डाटा ने ना ले लूँ तो क्या मैं कुछ रिसर्च कर पाऊँगा, कुछ प्रैक्टिकल कर पाऊँगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन कर पाऊँगा? तो मुझे एक मान के चलना पड़ता है, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे रहे अपने इंडिया के कुछ सिस्टम का बताते हैं पहले एग्जाम में। तो अगर मान लो मैं बोलूँ कि पानी का अभी विस्कोसिटी 5 है, 10 मिनट बाद 6 हो गई, 10 मिनट बाद फिर घट के 4 हो गई, यानी फ्लक्चुएट्स हो रही है, कभी 4 कभी 5 कभी 6 कभी 7 कभी 8 कभी 2 कभी 3, यानी इसकी विस्कोसिटी या वेलोसिटी की बात करूँ नदी बह रही है, एग्जैक्ट नहीं है, हर वक्त सेम नहीं है। तो क्या तुम इस पर कुछ रिसर्च कर पाओगे, कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाओगे? नहीं। तो कोई एक फिक्स्ड वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा। चलो मानते हैं पानी की वैल्यू एवरेज हर जगह 5 रही होगी, घटे तो भी बढ़े तो भी मेंटेन हो जाएगी, 5 पे जाएगी, कभी घट के 4 हो जाएगा, कभी घट के 3 हो जाएगा, कभी बढ़ के 5-6 कभी 7 हो जाएगा, तो इट मीन्स एवरेज जो 5 रही है हमेशा। तो एक एवरेज वैल्यू लेकर चलते हैं कुछ ही करने के लिए। तेल की भी सही बात है, तो एग्जैक्ट नहीं होता है, नदी की स्पीड बढ़ी है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो हर वक्त स्पीड कम रहे, हर वक्त स्पीड सेम नहीं रहती है। तो मुझे क्या होता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे एज्यूम करके चलना पड़ता है कि मान के चलो इसकी हमेशा ये वेलोसिटी होगी। वही बात है, छोटा बताना था, क्या बताना था, इंडिया पुलिस और कुछ अपराधी का, जैसे पुलिस को थोड़ी पता होता है कि कौन सा अपराधी है कौन सा सही इंसान है। तो मान चलती है, मान लो जिस पर सब हुआ, अच्छा ये है उसको लाओ पकड़ो, वो खुद नहीं होगा तो भी वो बोलते हाँ मैं हूँ, नहीं तो सच्चाई पता चल जाएगी जो होगी। तो किसी पता, मान लो 5 इंसान है, किसी एक पर शक लग रहा है ज़्यादा, परफेक्ट थोड़ी है कि भाई वही अपराधी है, बिल्कुल नहीं पता होता है पहले कि यही पकड़ो इसको लाओ डालो, ऐसा नहीं होता है। 6-7 लोग जिस पर शक होता है उसे सभी को हम क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, उसमें से ज़्यादा जिससे नज़र मतलब डरता है, तो एज्यूम कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस रियल थोड़ी है, मुझे ट्रू थोड़ी पता है पहले से, नहीं एज्यूम करते हैं हाँ ये ऐसा ऐसा इसके साथ ये हो रहा है, हैपनिंग्स हो रही हैं, ये कुछ दिख रहा है मुझे नज़रों से कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो किसी उसमें से एक निकालते, कुछ सवाल करते उसमें से एक को निकालते जो जिस पे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, बाकी सब बताए थे, अब उसी समय इतना ना उसको तड़पाएंगे सदाएंगे कि खुद भग देगा कौन है, पता चल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आते हैं। अब एक एक्सियम आता है, एक्सियम क्या है, एक स्टेटमेंट है, सिंपल सा एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम सेल्फ ट्रूली रिगार्ड करते हैं, इट इज रिगार्डेड एज सेल्फ एविडेंटली ट्रू, यानी इसका कोई एविडेंस नहीं होता, खुद से एविडेंट करके चलते हैं कि हाँ ये सच है, मैं इसका एविडेंस दे रहा हूँ, इसका मैं गवाह हूँ, यानी इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये क्या है, प्रोपोजिशन है, सपोजिशन है, हम खुद से अपने आप से सब कुछ करके चलते हैं कि ये अपने आप से एकदम बिल्कुल क्या एविडेंट कर लेते हैं कि हाँ इसका मैं सेल्फ एविडेंट हूँ, ये सत्य है, ऐसा मान के चल रहा हूँ, इसका कोई ट्रू वैल्यू नहीं होती है, सेल्फ रिगार्ड करता हूँ मैं, यानी खुद से मैं उसको मान रहा हूँ, इसी को एक्सियम बोलते हैं। और मॉडल क्या होता है, सभी को पता है, वो मॉडल नहीं, मूवी वाला नहीं, फिल्म इंडस्ट्री वाला मॉडल नहीं, यहाँ के मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं कि किसी चीज़ का एक प्रोटोटाइप है, जैसे मैं कोई थ्योरी दिया, कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा कोई चीज़ बनाना है, मैं बोला कि चलो जाओ कार्डबोर्ड उठाओ या कोई भी रिजेक्टेड सामान उठाओ, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, एक करके एक प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो तुम क्या बनाओगे, ठीक है, या चलो एक छोटा सा बिल्डिंग ही बनाना है, तो मैं एक बिल्डिंग का क्या बोल दूंगा, एक मैं स्केच बना कर दे दूंगा कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनाने हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा स्केच दे दूंगा, ऐसा बिल्डिंग्स बनाने हैं, ऐसी ब्रिज बनाने हैं, डैम बनाना, जो भी बनाना है, कोई मशीन्स का ही पार्ट बनाना है, तो तुम क्या करोगे, उसी का एक छोटा सा मॉडल बनाएगे, एक ढांचा, मॉडल मतलब क्या है, ढांचा, जिसको उसका मेन बिल्डिंग से मेन प्रोजेक्ट से पहले समझने के लिए जानने के लिए छोटा सा एक उसके ही जैसा ढांचा बनाना है। तो क्या बनाओगे, मिट्टी के चाहे कार्डबोर्ड के चाहे प्लाई के या लकड़ी के, क्या बनाओ, काट करके हाँ इधर गेट रहेगा, इधर खिड़की रहेगा, इधर इतने फ्लोर का ये है, ये सब सामान लगेगा, यानी एक छोटा सा ढांचा बनाना, उसी को अपन बोलते हैं मॉडल। इट इज़ अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बॉडी, पर्सन, स्ट्रक्चर, थिंग्स, मशीन, बिल्डिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, एक 3D रिप्रेजेंटेशन है।
तो मैं होप करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया हो। तो मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के समझो कि नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो फ्रेंड्स वहाँ पे बिल्कुल जरूर आना, वहाँ पे बने रहना, वहाँ पे बिल्कुल आना, क्योंकि वहाँ पे समझ में आया क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, डायरेक्ट यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे, बाकी सब जानेंगे, फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, आखिर में वेक्टर है तो क्यों है। तो देखते हैं अगले वीडियो में। ओके, आज के लिए रखते हैं इतना। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।